गाइस फ्रीज व्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं और एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया वीडियो। तो गाइस आज हम जा रहे हैं खाना परोसने के लिए, मतलब कैटरिंग के काम पे जाने वाले। ये देखो मेरे साथ धीरज भाई, दोनों भी भाई मिल के जा रहे हैं। मतलब पहले भी काम करते तो करीबन अभी लॉकडाउन लग गया, तो 4-5 महीने के बाद काम पे जा रहे हैं, तो काफी मजा आने वाला है। आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है, तो आपका फर्ज बनता है कि व्लॉग में एंड तक बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो जो है तो आप तक पहुंच पाए। तो चलो शुरू करते हैं। फाइनली आ चुके हैं चंद्रपुर। अभी मैं लॉन के मतलब बाहर बैठा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। देख सकते हो अमित भाई कैसे परेशान हो रहा है, और इधर बैठा है वेद भाई हमारा, और उधर धीरज भाई बैठा है। तो हम वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैटरिंग वाले अभी आके हैं नहीं, कोई भी नहीं है अंदर, क्योंकि सभी लोगों का खाना था, क्योंकि अभी लॉकडाउन अभी खुला है और सब लोगों की परमिशन है। तो सब लोगों के लिए इधर किचन है, लेकिन किचन में बना नहीं रहे वो जो कैटरिंग वाले, तो होटल से ही खाना बना के लाने वाले। तो अभी वेट कर रहे हैं, 1-2 घंटा हो गया है फिर भी वो आए नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है काफ़ी मतलब दोपहर का ही खाना होगा, तो इसलिए अभी वेट करते कितनी देर लगती क्या था। तो तब तक मैं अभी लॉन के अंदर चलता हूँ और आपको लॉन दिखा देता हूँ कैसा है क्या है। तो ये वो लॉन है जहाँ पे आज हमारा काम है, मसिया लॉन करके है। तो ये काफ़ी मतलब सिटी से आउटसाइड है यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे पीछे स्टेज है, तो ये स्टेज बाहर का है मतलब गार्डन का। तो शाम का जो भी मतलब फंक्शन रहता है तो यहाँ पे स्टेज पे मतलब प्रोग्राम होता है, जैसे कि रिसेप्शन बोलो, शादी भी बोलो शाम के वक्त, और अगर दोपहर का रहा तो फिर उसके पीछे मतलब हॉल बना हुआ है तो उसमें शादी वादी वगैरह का फंक्शन होता है। तो ऐसा कुछ है गाइस। और उधर देख रहे हो आप मतलब पीछे, ये देख सकते हो वहाँ पे दिख रहा हूँगा, तो वो एक किचन। तो किचन में अभी काम है नहीं क्योंकि खाना उधर से ही बन के आ रहा था, आपको पहले ही बता दिया था, बता रहा था जो है। तो ये वो हॉल है, तो देख सकते हो यहाँ पे पर्दा वर्दा लगा है, और यहाँ पे देखिए दूल्हे के लिए चेयर रखी हुई है, और उधर पीछे देख सकते हो स्टेज पे दुल्हन के लिए, क्योंकि ये मॉम इनकी शादी है तो इनको मतलब इनमें ऐसा रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को अलग अलग रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए पर्दा लगा है, उस साइड भी हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। तो इधर मतलब जेंट्स को बिठाते या लेडीज़ को बिठाते वो पता नहीं, लेकिन अलग अलग रखेंगे, और हम जेंट्स को खाना परोसने वाले हैं। तो यहाँ का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, खाली बारातियों की मतलब देरी है अभी, वो कब आएंगे क्या आएंगे, तो सारा कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, ऐसा है गाइस। और यहाँ पे मतलब पहला ही काम है हमारे लॉकडाउन के बाद, पहले भी हम यहाँ पे काम कर चुके हैं लेकिन लॉकडाउन के बाद तो अभी पहला ही काम है यहाँ का। हम बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे फिर भी अभी तक मतलब 2-3 घंटा हो गया, हाँ ना वेद भाई, हाँ 2-3 घंटा हो गया वेट कर रहे, तो फिर भी गाड़ी नहीं आई। तो हम सोच रहे कि यहाँ पे बोर रहे तो थोड़ा गाड़ी निकाल के जाते हैं सिटी में, थोड़ा सा घूम के आते हैं तब तक। तो वेद भाई मेरे साथ चल रहा है तो अभी जाके आते हैं। देखिए हम कहाँ पे आए हैं, देख सकते हो मेरे पीछे नदी, कौन सी नदी है भाई, है इरई नदी, हाँ इरई नदी पे लाया है भाई। हम सिटी में घूमने जाने वाले थे लेकिन भाई ने बोला कि लॉन के बगल में चलो ना, कुछ प्लेस है अच्छा सा दिखा था बोल। तो ये देखिए कहाँ पे है, और दो तरफ से, इधर देखो इधर से भी बहके आ रही है और उधर से भी बहके आ रही है, तो मेरे को लग रहा है मतलब दो नदी का संगम है क्या है, समझ में नहीं आ रहा, उधर दोनों तरफ से बहके आ रही है। और ये मेरे साथ वेद भाई, देखिए यहाँ पे भैया फिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए भैया के हाथ में फिशिंग रॉड और नीचे मतलब धागा गया और उस पर लकड़ी लटकाई और वहाँ पे दाना भी छोड़ा है, मतलब जैसे वो दाना खाने के लिए मछली आती है तो वो फिर लटक जाती है। और भैया से पूछा हमने कि मतलब जल्दी आ जाती है, तो भैया बोले बहुत वेट करना पड़ता है, ये इंटरेस्ट की चीज़ है फिशिंग के लिए, फिशिंग करना मतलब इंटरेस्ट की चीज़ है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, ऐसे बोल रहे भैया। अभी अगर फिशिंग करना चाहते हो तो फिशिंग करने के लिए मैं आप मतलब टिप्स बोल के बोल सकते हो आप, तो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बारिश गिरती है तब फिशिंग करने के लिए जाओ, क्योंकि काफ़ी इजी होता है तब फिशिंग करना, क्योंकि जब बारिश गिरती है तो जो मछलियाँ अंदर जा चुकी होती है तो वो फिर बाहर आती है, तो मतलब इजी हो जाता है फिश को पकड़ना है क्या। तो फिशिंग करना है जब भी, तो आपको जब भी बारिश गिरती है तब जाओ फिशिंग करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी मतलब गाड़ी आ चुकी है, और सामान वामान हमने उतार लिया, और यहाँ पर देखिए हमने अरेंज कर लिया, ये दो टेबल राउंड टेबल इधर लगाए हुए हैं, देखिए 10-10 चेयर लगा दिए, और चेयर कवर भी हमने चढ़ा दिया है, पूरी सेटिंग हो गई। और इधर हमारा पिकअप का है जहाँ से मतलब सामान उठाया जाता है, जो भी बिरयानी है चावल है जो भी उठाया जाता है, और फिर टेबल पे परोसते हैं हम, तो उसके लिए पिकअप बोलते हैं हम इसको। तो ये पिकअप का टेबल यहाँ पे लग चुका है, तो
अभी इस पर टेबल रोल चलने वाला है थोड़ी देर बाद। और इधर देखिए गंजी वंजे आ चुके हैं, तो इसमें दिखाता हूँ थोड़ा कुछ जो भी मेन्यू आया है। तो चलिए देखिए भाई लोग टेबल रोल चढ़ा रहे हैं इस पर। अमित भाई ये हमारा, वेद भाई इधर देखिए टेबल रोल चढ़ा रहे इधर। चलिए आपको दिखा देता हूँ मेन्यू में क्या क्या है। ये देखिए ये बंगाली स्वीट बोलते हैं इसको, तो स्वीट में ये है मतलब शुरुआत में ये देते हैं हम। और इधर देखिए बिरयानी, तो अभी आपको दिख नहीं रहे क्योंकि चावल चावल। फिर इसको ये देखिए ये जो परात है इसमें मिक्स करके हम देते हैं, तो ये मटन बिरयानी है। फिर बाद में मिक्स करने के बाद आपको दिखी जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये है मट्टा बिरयानी के साथ, और ये है कोरमा मतलब चिकन की सब्जी है, इसको हम कोरमा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ मेन्यू में है। गाइस हमारी अभी सर्विस हो चुकी है ख़त्म, मतलब करीबन सभी 12 दिन करीबन खाना खा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ तो सामान उतार है, तो हो ही गया है। अभी हम भी खाना खा लिया। और वो वर्दी देख रहे हो आपको, मतलब मैं टी शर्ट पहन के आया तो आपको शर्ट चेंज लग रहा होगा। तो ये हमारी कैटरेस की वर्दी है, उधर देखो उधर भाई लोगों ने भी पहना है सेम ही। तो अभी थोड़ी देर बाद हम भी खाना खाने वाले हैं। हम खाना खाने बैठ गए हैं, देखिए इधर कर लो वो धीरज भाई, अमित और इधर वेद भाई बैठा है। तो मैंने भी ले लिया है देखिए मेरी थाली, सालन और रोटी, और बाद में बिरयानी भी लूँगा। तो अभी खाना खा के मिलते हैं फिर। फाइनली मैं आ चुका हूँ घर, तो वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। तो वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय।